हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रानी और आप देख रहे हैं द स्मार्ट कुकिंग। तो आज हम बनाने जा रहे हैं परमल के लड्डू। कहीं कहीं इसको लाई भी बोलते हैं, मुरमुरा भी बोलते हैं, तो जो बच्चों को बहुत ही पसंद होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसका कोई चार्ज नहीं होता है, ये टोटली फ्री है। तो मुरमुरा के लड्डू बनाने के लिए हमें चाहिए, यहाँ पर हमने 3 कप मुरमुरा ले लिए हैं, 1 कप गुड़, इसको हमने बारीक बारीक तोड़ लिया है, और 1 चम्मच घी चाहिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक पैन गरम कर लिया है और इसमें हम डाल देंगे मुरमुरे, और इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे ताकि मुरमुरे हमारे एकदम कड़क हो जाए। तो मीडियम फ्लेम पे हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे। तो मुरमुरे हमारे भुन गए हैं, ज़्यादा नहीं भुनना है, बस थोड़ा सा गर्म हो जाए, और ठंडे होने के बाद ये एकदम कड़क हो जाएंगे। तो इसको हम निकालेंगे एक बाउल में। तो इसको हमने निकाल लिया है एक बाउल में, और ये पैन में हम डालेंगे थोड़ा सा घी, इसको मैश होने देंगे, और इसमें हम डाल देंगे गुड़, जो तोड़ के रखा हुआ था वो हम डाल देंगे, और इसको लगातार चलाते हुए इसको मेल्ट करेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इसको मेल्ट कर लेंगे। गुड़ को हमें जस्ट मेल्ट करना है। तो गुड़ की चाशनी हमारी बन चुकी है, काफ़ी बबल्स आ रहे हैं इसमें। तो इसको चेक करने के लिए हम एक कटोरी में थोड़ा सा पानी ले लेंगे कि चाशनी हमारी परफेक्ट है या नहीं। तो चेक कर लेते हैं, एक कटोरी में थोड़ा सा पानी ले लेंगे और इसमें थोड़ा सा बूंद इसकी गिरा करके देखेंगे, और अगर इसका एक बॉल जैसा बनने लगेगा, ये देखिए, तो चाशनी हमारी बन चुकी है। इसको हम कर देंगे, इसकी फ्लेम को लो पे कर देंगे, और इसमें डाल देंगे हम ये मुरमुरे, और इसको मिला लेंगे अच्छे से। तो जल्दी से इसको मिला लेते हैं, नहीं तो ये हमारी चाशनी गाढ़ी हो जाएगी। तो इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसके लड्डू बना लेते हैं। तो हाथों पे लगा लेंगे हम थोड़ा सा पानी इस तरह से, और थोड़ा सा इसमें से मिक्सचर लेंगे, और इस तरह से हल्के हाथों से हम इसको गोल गोल घुमाते हुए इस तरह से लड्डू की शेप देंगे। तो इस तरह से हम इसको ठंडा करेंगे ताकि ये फैले नहीं। तो परफेक्ट शेप आ गया है, लड्डू हमारा बन गया है। तो इसको रख देते हैं प्लेट में, और सभी लड्डू हम इसी तरह से बना लेंगे। तो जल्दी जल्दी से लड्डू बना लीजिए, और मिक्सर ठंडा होने पर लड्डू नहीं बनेंगे, इसलिए इसके लड्डू हमें तुरंत बनाना है। ये देखिए, आप जितने चाहे उतने बड़े लड्डू बना सकते हैं। फिर थोड़ा सा पानी लगाएंगे और फिर लड्डू बनाएंगे। मिक्सर ठंडा होने लगा है तो थोड़ा सा पानी और लेंगे, और इस तरह से दबाते हुए लड्डुओं को बनाएंगे। इस तरह से तो सारे लड्डू हमने बना लिए हैं, तैयार है मुरमुरे के लड्डू। बहुत ही आसान है इसको बनाना, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए, ज़रूर बनाइए, बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं और बहुत ही सबको पसंद होते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।